अच्छे होने यार। चलो तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने तुम्हें लेंज लॉ अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। देखो मेरा समझाने का वे एकदम ऐसे है कि बच्चों को समझ में आ जाता है बिल्कुल सा। मैं भले ही वर्ड में लिखता कम हूँ, तुम क्या करो जब मैं लेक्चर लेता हूँ ना, जो बोलता हूँ ना वो चीज़ें लिख लिया करो यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मैं बोलता हूँ अगर वो चीज़ें तुमने हिंदी में भी लिख लिया तो तुम्हें EMI या कोई भी चैप्टर तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। सिंपल सा मैं बातें बोल रहा हूँ कि मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल व्यू जो दिया था ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर तुम्हें समझ में आ गया कि करंट इंड्यूस कहाँ हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, लेंज लॉ के अनुसार डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैसा होगा, नहीं होगा, तो मैंने ये सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन किया प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है फैराडेज लॉ। क्या है प्यारे बच्चों? फेराडेज लॉ। तो कोई बोले कि सर बताओ फेराडेज लॉ क्या होता है, तो सुनना, तुमने 10th में पढ़ रखा है और मैंने एक्सपेरिमेंटल व्यू से ये भी बताया था कि अगर किसी में फ्लक्स चेंज आएगा, किसी लूप में फ्लक्स चेंज आएगा तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो फेराडेज लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस EMF क्या करेगा? इंड्यूस करेगा EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हाट? तो इट इज नॉट ए न्यूटन। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे न्यूटन ही है, यहाँ पे क्या है तो वोल्ट है। क्या है अरे बच्चों? वोल्ट, या तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स वो क्या करता है? वो EMF इंड्यूस करता है प्यारे बच्चों। EMF इंड्यूस मतलब करंट इंड्यूस। सिंपल सा बात है, जैसे मान लो कोई लूप है, ठीक है सर, मान लो फील्ड ऐसा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि फील्ड जो है वो B0T के, मान लो ऐसा है, तो ये वेरिएबल है ना, जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स क्या करेगा, इसमें बढ़ेगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो मैंने लेंज लॉ के अनुसार बताया था कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और इसमें EMF इंड्यूस। देखो अगर करंट आएगा मतलब EMF इंड्यूस हो जाएगा, EMF आएगा मतलब वोल्ट आएगा। सिंपल सा बात है, मुझे पता है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा तो ऐसा बहेगा। बोलो है कि नहीं? यस सर। तो इसको ऐसे भी मैं बना सकता हूँ प्यारे बच्चों, देखो ऐसे मैं इसको बना सकता हूँ, ये EMF इंड्यूस, करंट ऐसा फ्लो किया। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। और EMF इंड्यूस क्या होता है? तो द रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स मतलब Δ φ, जैसे बोले ई एवरेज निकालो तो EMF एवरेज Δ φ/Δt। कहीं कहीं बुक में माइनस लिखा होता है तो कोई बात नहीं, मैं याद क्या करूंगा, मैं मैग्नीट्यूड, ये जो माइनस लिखा होता है ना, माइनस नथिंग, इट इज ओनली लेंज लॉ। मतलब होता है कि EMF ऐसा इंड्यूस होगा या तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, इसलिए माइनस लगता है प्यारे बच्चों। तो मुझे फ्लक्स के चेंज को अपोज करना है तो मुझे पता है कि वो बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट या तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। सिंपल सा बात है, तो मुझे पता है कि ये क्या दर्शाता है, ये लेंज लॉ को दर्शाता है। मतलब ये दर्शाता है कि करंट या EMF ऐसा इंड्यूस होगा ताकि फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। अरे वही तो लेंज लॉ है। वही क्या है? लेंज लॉ। तो प्यारे बच्चों हम सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड का। किससे बात करेंगे? मैग्नीट्यूड का। बोलो हाँ या ना? EMF इंड्यूस, बोलो ये किसी भी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा? d φ/dt। ये एवरेज EMF इंड्यूस है और ये किसी भी इंस्टेंट पे है तो d φ/dt। मैंने सिर्फ क्या लिया? तो मैग्नीट्यूड लिया। क्या लिया सिर्फ मैंने? मैग्नीट्यूड लिया। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये समझ में आया? नहीं आया क्या होता है फैराडेज लॉ? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों फैराडेज लॉ इज वेरी मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं इसमें न्यूमेरिकल करूंगा, तुम्हें स्वयं में आएगा शानदार तरीके से। देखना जैसे मान लो ये बी बराबर बी नॉट इंटू टी, बोलता है कि मुझे बताओ, बोलता है चलो ये तो फैराडे लॉ है, ऐसा ऐसा ये में फिर होगा। चलो मैं इसमें ये एग्जाम्पल करता हूँ, शानदार एग्जाम्पल करता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा थोड़ा। देखो फील्ड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो करंट इंड्यूस हो जाता है। बोलो हाँ हाँ या ना? यस सर, हो जाता है सर। सिंपल सा एक क्वेश्चन करता हूँ थोड़ा समझना। बोलता है कोई लूप है,
मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट टी है, मतलब जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है सर। बहुत बढ़िया है ना, मतलब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड से बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज आ रहा है। तो फ्लक्स लिखो किस में, लूप में। कहीं भी अगर मुझे सुनना, पहले कहीं भी अगर मुझे निकालना हो करंट इंड्यूस, तो पहले क्या निकालूंगा, फ्लक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा पहले मैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स लूप में कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया। बोलो हाँ या ना, यस सर। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, मैंने तुम्हें बोला था कि फ्लक्स क्या होता है किसी भी लूप में, तो बी डॉट ए। क्या होता है, बी डॉट ए। अच्छा एरिया, अब क्या होता है, जो एरिया होता है ना वो या तो इनवर्ड या तो आउटवर्ड। अब क्या करो, एक सहूलियत के लिए, एक आसान तरीका के लिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में एरिया ले लो। मैं सिंपल से बता रहा हूं, इसका जो एरिया होगा ना, इसके नॉर्मल होगा, अंदर होगा या तो बाहर होगा। अब फील्ड अंदर है तो एरिया भी क्या करो, अंदर ले लो। तो कितना एंगल आएगा, जीरो। तो बी ए कॉस जीरो कॉस जीरो वन, तो सिंपल से बी पाई स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या, यस सर। मुझे पता है प्यारे बच्चों कि लूप में जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट टी पाई स्क्वायर है। बोलो हाँ या ना, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वेरिएबल है, ठीक है सर। ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो डी फाई बाय डी टी ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन वन। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नॉट पाई स्क्वायर वोल्ट। अगर मान लो दिया हुआ है आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो क्या करोगे, करंट इंड्यूस कितना होगा, E बाय आर, मतलब बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाय आर। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ये सब समझ में आ गया। अगर कोई बोले सुनना, अगर कोई बोले इसमें चलो ये ईएमएफ इंड्यूस आ गया, करंट आ गया, ठीक है, बोलते हैं चार्ज फ्लो निकाल दो। क्या निकाल दो, चार्ज फ्लो फ्लोन इन द लूप। लूप में चार्ज फ्लो निकाल दो इन तीनों सेकंड, कितने सेकंड में, तीनों सेकंड में चार्ज फ्लोन निकाल दो। तो प्यारे बच्चों चार्ज फ्लोन अगर निकालना है कितने सेकंड में, तीनों सेकंड में, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं इसको ऐसा करूंगा, थोड़ा देखना, चार्ज फ्लोन इन लूप इन तीनों सेकंड। तो चार्ज मुझे पता है आई, आई क्या है, बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाय आर। मुझे पता है अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे पता है डी क्यू बाय डी टी लिख सकता हूँ मैं आई को। बोलो हाँ या ना, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो डी क्यू बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर डी टी। कितने समय पे देखना है, जीरो से टी नॉट टोटल चार्ज। बोलो ठीक है क्या, कितना आ गया, बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर टी नॉट। इतना चार्ज फ्लो करेगा टी नॉट टाइम में। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत। ऐसे भी सोचो यहाँ पे करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है और टी नॉट टाइम है। मुझे पता है क्यों, क्या होता है, क्यों होता है सर, करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू टाइम कर दो। लेकिन यहाँ पे करंट कांस्टेंट है इसलिए, अगर वेरिएबल होता तो इंटू टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन यूज करता है, इसलिए मैं इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन यूज कर लिया। सिंपल सा बात है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चार्ज फ्लो निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, करंट निकालना है, कुछ भी निकालना है, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। वाओ, इट्स अ मैजिक, इट्स अ मैजिक, ओहो, इट्स अ मैजिक। सही बात है कि नहीं, यस सर। मुझे अच्छे समय में आ गया सर कैसे निकाला जाता है ईएमएफ इंड्यूस। चलो प्यारे बच्चों और कुछ बातें करते हैं, चलो आ जाओ। बोलता है कोई क्वाइल है, कोई क्या है, क्वाइल है, ठीक है, कोई क्वाइल है, क्वाइल कुछ ऐसा रखा हुआ है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है, मतलब एरिया ऑफ द क्वाइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलता है ये घूम रहा है सर, क्या हो रहा है, घूम रहा है ओमेगा से, कोई बात नहीं सर, ये भी बात इन्हें मंजूर कर लिया। और फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड क्या है सर, कांस्टेंट है, जो बी नॉट है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोलता है प्यारे बच्चों अगर ये एक समय ऐसा था, फील्ड और एरिया में कितना एंगल है, जीरो। अब बोलता है कि अगर ये वर्टिकल हो गया है, अगर ये वर्टिकल हो गया है, अगर ये लूप वर्टिकल हो गया है, वर्टिकल हो गया है, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बोलो यस सर, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो जरूर, लेकिन लेकिन क्या एरिया उस साइड है, यस सर। अब सोच इधर, इसका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल,
जीरो। इसका इसका एरिया सोचो, एक समय ऐसा था प्यारे बच्चों, एक समय ऐसा था, अब घूम रहा है तो कैसा हो गया, ऐसा है कि नहीं। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब इसका एरिया इधर या तो उधर, यस सर, इसका एरिया इधर और नेगेटिव फील्ड अंदर। सोचो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अंदर है और एरिया ऐसा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है वो 90। सोच तो फ्लक्स इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा सर, क्योंकि एरिया उधर फील्ड अंदर, फ्लक्स इसमें लूप में क्या जीरो आएगा, ऐसे ही बात है कि नहीं। यस सर, बोलता है कि ओमेगा चल रहा ठीक है सर, फील्ड कॉन्स्टेंट है क्या। सोचो एक समय यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम, जैसे घूम रहा वैसे वैसे फ्लक्स डिक्रीज कर रहा, मतलब फ्लक्स चेंज आ रहा है, फ्लक्स क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, फ्लक्स चेंज आ रहा है प्यारे बच्चों। तो फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कैसे देख, देखो बोलता है जब वर्टिकल हो गया, जब एरिया और नेगेटिव फील्ड एंगल 90 हो गया, तो मुझे बताओ, ये तो बोलता है कि हाफ रोटेशन में बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस हो, कितना हाफ, अच्छा ये कितना है, हाफ रोटेशन है ना, देख ये हाफ रोटेशन, ये ऐसा हो जाए तो पूरा कंप्लीट रोटेशन, सही बात है कि नहीं। यस सर, बोलता है जब हाफ रोटेशन हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जब हाफ रोटेशन हुआ तो बताओ ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ, तो सिंपल सा बात सीखना। मुझे पता है फ्लक्स यहां पे फाइनल फ्लक्स क्या है, तो सोचो मुझे एवरेज ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, तो डेल फाई बाय डेल टी। अच्छा मैंने ये यूज क्यों किया, क्योंकि सोचो प्यारे बच्चों यहां पे क्या वेरिएबल है, तो फ्लक्स यहां पे क्या है, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, यहां पे एंगल कितना है जीरो, तो यहां फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, फ्लक्स आ गया बी पाई आर स्क्वायर। अब देखना जब लूप, जब ऐसा बात हो, जब फील्ड क्या कॉन्स्टेंट हो, तो सिंपल सा बात है, तो सिंपल सा बात है फील्ड कॉन्स्टेंट होना, तो चेंज इन फ्लक्स बोलता है कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस निकालो, क्या बोलता है, एवरेज ईएमएफ निकालो, एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे हम, तो डेल फाई बाय डेल टी सी, ये फाइव इनिशियल, ये फाइव फाइनल, फाइव फाइनल क्या बन जाएगा, कॉस 90, कॉस 90 जीरो, बोलो सही बात है कि नहीं, बी का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू रख दो, कॉस 90 जीरो, फाइव फाइनल जीरो, सही बात है कि नहीं। यस सर, तो बोलो ईएमएफ इंड्यूस कितना आएगा, अब देखना मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना, मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसे चाहेगा इंक्रीज करना, क्योंकि देखो एक समय ऐसा था डिक्रीज कर रहा फ्लक्स है कि नहीं। अब देखना तो करंट कैसा होगा, देख ऐसा करंट होगा क्या, यस सर, क्यों डिक्रीज कर रहा है, सॉरी करंट ऐसा होगा क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है कौन, फ्लक्स, तो ये चाहेगा इंक्रीज कर रहा फ्लक्स को, सही बात है कि नहीं। तो करंट कौन सा सेंस आया, क्लॉकवाइज सेंस, तो मुझे पता चल गया माइनस लिखने को जरूरी नहीं है, तो डे फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, टाइम सोचो हाफ रोटेशन में कितना लिया, तो ओमेगा चल रहा है तो पाई बाय ओमेगा, कितना पाई बाय ओमेगा, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, पाई बाय ओमेगा या टू पे, जल्दी बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो कितना हुआ, अरे बोलो जल्दी कितना हुआ। तो सर सर मुझे बताओ सर, एक समय ऐसा था, अब तो ऐसा 90 हो गया, तो पाई बाय टू ओमेगा होगा ना, कितना होगा, पाई बाय टू ओमेगा, पाई बाय टू ओमेगा, अरे ठीक है कि नहीं, ये टाइम कैसे, अरे थीटा बराबर ओमेगा टी, एक समय थीटा जीरो, अब थीटा क्या है 90, अरे यार ये हाफ रोटेशन नहीं है, ये कौन सा रोटेशन है, वन फोर्थ, ठीक है, तो पाई बाय टू ओमेगा, तो ये एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना आ गया प्यारे बच्चों, मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, मुझे पता है फाइव फाइनल जीरो है, ये सिर्फ इनिशियल है, क्या है ये जीरो माइनस, बोलो ठीक है या नहीं है, यस सर ठीक है सर, मैग्नीट्यूड कैसा, मैग्नीट्यूड कितना आ गया, बी आर स्क्वायर टू अपॉन ओमेगा, समझ में आया नहीं आया, यस सर इतना ही ईएमएफ इंड्यूस हो गया एवरेज, अरे फाइनल कितना है जीरो, तो जीरो माइनस ये, तो ये प्लस बन जाएगा ना, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर कोई, तो प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया, यस सर ऐसा न्यूमेरिकल तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों एवरेज ईएमएफ इंड्यूस निकालना हो या तो कुछ भी निकालना हो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बोलो ठीक है क्या, यस सर। चलो मजेदार है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो देखो और देखो कुछ, चलो एक ये मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ किससे बनता है, इस तो अच्छे से बनाऊँ क्या, यस तो अच्छे से बनाओ सर, क्लियर, ए हे यस।
यस चलो, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, करंट जो है वो आई नॉट टी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल देखो, अब करंट इसमें है, बोलता है कि अप्रोक्सीमेशन कुछ है कि बी जो है बहुत ए से ज्यादा, मतलब ए क्या है बहुत छोटा एज कंपेयर टू बी। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे तो सीखना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि बी का जो वैल्यू है, जो रेडियस है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ए, मतलब ये जो लूप है बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बहुत छोटा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है सर, इसका मतलब ये भी हुआ कि सर इसके कारण जो सेंटर पे फील्ड आएगा वो पूरा पूरा इसी में आएगा, इसका मतलब ये हुआ। मतलब बिगर लूप के कारण जो सेंटर पे फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो पूरा किसमें आएगा, स्मॉलर लूप में आएगा, वो पूरा किसमें आएगा, स्मॉलर लूप में आएगा, इसका मतलब ये हुआ। बोलो क्या बात है, क्योंकि ए बहुत छोटा है और बी बहुत बड़ा है, मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसमें आएगा, वो पूरा इसी में आएगा, मतलब इसके सेंटर पे जो आएगा वो पूरा इसी में आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सा बात है, मुझे निकालना है करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस, इसका मतलब रेसिस्टेंस आर ओम है। तो बोलता है करंट इंड्यूस इन स्मॉलर लूप, क्या बोलता है, करंट इंड्यूस इन स्मॉलर लूप। तो प्यारे बच्चों, स्मॉलर लूप में क्या लिखना है, करंट इंड्यूस। तो सबसे पहले जिसमें करंट निकालना हो उसमें, या तो ईएमएफ इंड्यूस निकालना हो तो उसमें पहले फ्लक्स लिखो। तो मैं इसमें क्या करूँ, फ्लक्स लिख रहा हूँ स्मॉलर में। तो फ्लक्स इन स्मॉलर लूप बोलो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण क्या आएगा, अंदर आएगा, है कि नहीं, यस सर। और इसका एरिया भी अंदर, अरे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अंदर आएगा, नहीं आएगा, यस सर, एरिया भी अंदर ले लो। ठीक है, कितना आएगा, बी पाई स्क्वायर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो होगा सर म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, आर कितना इसका है, तो खुद का बी है, पाई ए स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाई कितना आ गया, देखो आई क्या है, आई नॉट इंटू टी स्क्वायर पाई ए स्क्वायर अपॉन टू बी, सही बात है कि नहीं, यस सर। इसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन टू बी टी स्क्वायर, डी फाई बाई डी टी कर दो, अरे ई एम एफ इंड्यूस देगा कि नहीं देगा, यस सर देगा सर, कितना आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन टू बी इंटू टू टी, कैंसिल आउट। देखो ई एम एफ इंड्यूस जो आया ना वो वेरिएबल है टाइम के फंक्शन में, देखो मिल रहा है क्या, यस सर मिल रहा है सर, टाइम के फंक्शन में वेरिएबल है कि नहीं, यस सर। बोलता है क्या, करेंट निकालो इन टी नॉट सेकेंड में, तो टी नॉट सेकेंड में क्या करोगे, तो मुझे पता है E by R, इसका रेजिस्टेंस कितना R है, तो म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, कितने में, टी नॉट में, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है, टी नॉट रख दिया, बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर बोले चार्ज फ्लो कितना है, तो चार्ज फ्लो क्या करोगे, तो टी के फंक्शन में लिखो पहले, चार्ज फ्लो कितना है, तो टी के फंक्शन में म्यू नॉट, टी नॉट मतलब टीनोट इसे लिख मत देना, बोलता है कि चार्ज निकालो, चार्ज फ्लो इन अ स्मॉलर लूप इन टीनोट सेकेंड, टीनोट सेकेंड में निकालना चार्ज फ्लो, निकाल सकते हो क्या तुम। अब देखो म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन आर टी, इसको डी क्यू बाई डी टी कर दो, बोलो ठीक है क्या, यस सर, म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन आर टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी क्यू, तो क्या बनेगा, तो म्यू नॉट पाई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन आर, अरे ब्रो ठीक है कि नहीं है, अरे बी भी कहीं, बी देखो यहाँ छोटा है, देखो बी यहाँ छूट गया, देख रहा है क्या, यस सर, अभी तो रेडियस उसका ये है, ये क्या, ये तो रेजिस्टेंस है, टी डी टी इंटीग्रेशन कर दो जीरो से टी नॉट, समय में आया नहीं आया, तो कितना आएगा टी नॉट स्क्वायर बाय टू, टोटल चार्ज फ्लो कितना आएगा, तो सर टोटल चार्ज फ्लो जो आएगा सर उसका आंसर आएगा, तो कितना आएगा, ये तो पूरा रहेगा टी नॉट स्क्वायर बाय टू, ये टी डी टी है ना, तो टी स्क्वायर बाय टू जीरो से टी नॉट है, तो ऐसा कितना आएगा, म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन बी आर टी नॉट स्क्वायर बाय टू, समझ में नहीं आया, इतना टोटल चार्ज फ्लो करेगा,
कि प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस समझ में आ गया। अब क्या प्यारे बच्चों, एक बार जेई एडवांस में तो देखो, अगर चार्ज मुझे निकालना है लूप में तो मैं एक आसान तरीका अपना सकता हूँ। वो कैसा अपना सकता हूँ, थोड़ा बातें सीखना। एक आसान तरीका ये अपना सकता हूँ कि मैं कैसे चार्ज निकाल सकता हूँ, चार्ज फ्लो इन द लूप। एक आसान तरीका, वो तरीका क्या था सीखना। अगर तुमसे बोले कि करंट एवरेज जो होगा वो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि टोटल चार्ज, क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। बोलो सही बात है कि नहीं। यस सर, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मैं ऐसा ले सकता हूं क्या, बोलो कोई इसमें दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा ये बताओ, ईएमएफ एवरेज को मैं क्या लिखता हूं? सर डेल फाई बाय डेल टी। क्या लिखता हूं? डेल फाई बाय डेल टी। ठीक, तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या आई एवरेज को मैं ले सकता हूं क्या, कि ईएमएफ एवरेज इंड्यूस अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ द लूप? यस सर। आर क्या रेसिस्टेंस ऑफ द लूप? वी वाई आर। यस सर। अब प्यारे बच्चों क्या है ईएमएफ, क्या है तो डेल फाई बाय डेल टी इंटू वन बाय आर। ओके सर। और आई एवरेज क्या है तो क्यू बाय डेल टी, डेल फाई बाय डेल टी इंटू वन बाय आर। बोलो सही बात, डेल टी डेल टी कैंसिल। चार्ज फ्लोन, तो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द चार्ज फ्लोन इन द लूप। बोलो समझ में आया क्या? एक बार जेई मेंस में ये ऑप्शन में आ रखा था, क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? तो सर ये ऑप्शन सही था सर, ये आई टी जेई मेंस में आ रखा था। किसमें आ रखा था? आई टी जेई मेंस में। तो क्या रिलेशन, क्या ये इक्वेशन सही है क्या? यस सर। चार्ज फ्लोन इन द लूप इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस। जैसे अभी जो क्वेश्चन हुआ था प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन जो हुआ था वो क्या हुआ था, सुनना। क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया था वो क्या दिया था, याद है कि नहीं है? उसमें निकालना था चार्ज, किसमें, छोटे वाले लूप में। तुम चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो चेंजिंग फ्लक्स। मुझे पता है कि उसमें जो फ्लक्स आया था वो कितना आया था, तो सर आपने ऐसा बताया था सर कि ये बी लिया था, ए लिया था, ठीक है क्या? यस सर। इसमें लिया था आई नॉट टी स्क्वायर लिया था, ठीक है सर। इसमें फ्लक्स आया था सर, कितना फ्लक्स आया था, तो बी, बी मतलब म्यू नॉट आई नॉट टी स्क्वायर अपॉन टू बी पाई ए स्क्वायर। अरे यही तो आया था फ्लक्स। यस सर, ठीक है फंक्शन में। तो बोलता है टी नॉट सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो मुझे पता है चार्ज क्या होता है, डेल फाई अपॉन रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस गिवन था, बोलो हाँ या ना। अब डेल फाई क्या है, तो बोलता है टी नॉट सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो टी नॉट एक बार टी जीरो, तो डेल फाई फाइनल माइनस डेल फाई इनिशियल अपॉन रेसिस्टेंस। फाई फाइनल क्या है, टी नॉट टाइम है, टी नॉट रख दो, तो म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन टू बी। बोलो बोलो टी नॉट का स्क्वायर, नहीं यहाँ पर टी स्क्वायर आया था क्या? नहीं सर नहीं आया था, ये टू टू टी स्क्वायर आया था। सही बात है क्या? ये एक मिनट रुक जा, ये कितना आया था बी, हाँ सही टी नॉट, सॉरी सही है क्या? यस सर, हाँ ये आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों तो ये क्या हो गया, ये बन गया फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल टी इक्वल टू जीरो मान लो, अपॉन टोटल टाइम कितना है, तो टोटल रेसिस्टेंस, ये देखो आंसर मिला हो तो आंसर आ रहा है, देख टोटल चार्ज फ्लो कितना आ रहा था, मी नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर टी नॉट अपॉन टू बी आर। देखो ये टोटल चार्ज फ्लो आ रहा था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है, बोलो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? एक बार फ्लक्स मिला ला, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है सर। चलो तो फ्लक्स वगैरह निकालने के लिए आ गया प्यारे बच्चों, तुम्हें अच्छे से, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक लॉन्ग वायर है, कैसा वायर है, लॉन्ग वायर। चलो थोड़ा पढ़ाई मन से करो, क्या करो या थोड़ा पढ़ाई मन से एकदम इलेबोरेट करो, दिमाग को क्या करो, इलेबोरेट मतलब डेवलप करो, मजा आएगा। प्यारे बच्चों क्या सुनना, जैसे ईएमआई का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान आता है, तुम्हें लगता है कि हार्ड होता है ये, लेकिन हार्ड नहीं होता यार, बिल्कुल आसान होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, चलो प्यारे बच्चों देख, एक छोटा सा लूप लिया, क्या किया मैं, छोटा सा लूप लिया रेडियस आर का, कोई बात नहीं सर। ये दूरी जो है मैंने डी दूरी लिया, कैसा दूरी, या तो आर दूरी, कैसा दूरी लिया मैंने, आर दूरी, ठीक है सर। करंट जो है इस लॉन्ग वायर में आई नॉट इंटू टी है, क्या करंट है, आई नॉट इंटू टी। बोलता है करंट इंड्यूस निकालो इन लूप, करंट निकालो इन लूप, करंट इन द लूप, लूप में करंट निकालो इन फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब टाइम के फंक्शन में, इन फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में, या तो इन और सेकंड में, जो बोल दे इसमें कोई अंतर पड़ने वाली
पड़ने वाला नहीं है। अरे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, मुझे उससे क्या मतलब, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो तो करंट इन द लूप निकालना है, लूप में सोच एक बार, करंट इसमें चेंज हो रहा है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक जो फील्ड आएगा इसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन है प्यारे बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना वो ए से बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ सर, मुझे पता चल गया सर इसका मतलब क्या हुआ, आर बहुत ज़्यादा ए बहुत कम, मतलब इसके कारण जो आर दूरी पे जो फील्ड आएगा ना, इसके कारण आर दूरी फील्ड आएगा वो पूरा पूरा इसी में आएगा। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। तो देखना बोलता है करंट कितना हुआ, तो मुझे बताओ इसमें क्या लिख दूं मैं, फ्लक्स, क्या लिख दूं मैं, फ्लक्स। जिसमें करंट इंड्यूस निकालना है उसमें क्या लिखूंगा मैं, फ्लक्स लिखूंगा। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो फ्लक्स कितना होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसे कारण फील्ड क्या, तो इसे कारण फील्ड देखो अंदर क्या आएगा इसमें, अंदर देखो तो करंट चेंज तो फील्ड भी चेंज, फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो करंट इंड्यूस। अरे है कि नहीं सही बात, यस सर। तो बोलो क्या आएगा, तो आ जाएगा सर देखो इसमें B into its area, बोलो ठीक है क्या, यस सर। cos 01 फील्ड भी एरिया भी अंदर, वो भी अंदर, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, बता रहा सर, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर क्या होता है, तो म्यू नोट आई अपॉन 2πRd। बोलो है हाँ या ना, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो म्यू नोट आई का वैल्यू कितना है, तो आई नॉट टी, कोई बात नहीं, आई नॉट टी अपॉन 2R, बोलो ठीक है कि नहीं है, यस सर। डिफरेंशिएट करो d5/dt, अरे इसका रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, मान लो आर नॉट रेजिस्टेंस है ओम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, d5/dt क्या मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये दूरी है, रेजिस्टेंस नहीं है, याद रखना पिछले बार लूप में आर क्या माना था, रेजिस्टेंस माना था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। बोलो टी का डिफरेंशिएशन 1, तो EMF इंड्यूस इतना। क्या करंट क्या वोल्टेज वेरिएबल है, नहीं सर कांस्टेंट है। अरे क्या ये कांस्टेंट, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर आता ना तो यहाँ पे टी के फंक्शन में आता, तो करंट क्या आता, इन द फंक्शन ऑफ टाइम आता, क्या आता इन द फंक्शन ऑफ टाइम। तुम कौन सा, मैं टी स्क्वायर ले लूँ, चलो टी स्क्वायर ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2t, क्या डिफरेंस हो जाएगा 2t, तो लो 2 कैंसिल, देखो कितना बन गया टी आ गया। देखो अब देखो वेरिएबल आ गया, अब EMF इंड्यूस क्या गया वेरिएबल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, डिफरेंशिएशन कर दिया टी स्क्वायर का, तो करंट कितना आ गया प्यारे बच्चों, E बाय आर नॉट म्यू नॉट आई स्क्वायर ए अपॉन आर, बोलो इनटू आर नॉट, बोलो इनटू टी, देखो करंट आ गया इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी। अगर चार्ज निकालना है तो dQ/dt कर दो, या तो d5/dt कर दो, यहीं से चार्ज निकल जाएगा टीनो टाइम में, टीनो सेकंड में। अगर मुझे चार्ज निकालना है d5/dr, यहीं से d5/r रेजिस्टेंस, तो d5 यहां से निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो प्यारे बच्चों कुछ भी निकाल सकते हो, अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो d5/r0 तुम निकाल सकते हो, बोलो यहाँ मारो टी नोट सेकंड में, तो फाइ इनिशियल टी को जू ले लो, अब फाइनल टी नोट रख दो कदम। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, चार्ज फ्लोइंग तुम्हें आना चाहिए, बोलो हाँ आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा ऐसा क्वेश्चन डन हो जाएगा, क्या बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा सर। चलो तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया। चलो अब और कुछ बातें करते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एडवांस लेवल में ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस, जिसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो क्या क्वेश्चन है तो सुनना। चलो लॉन्ग वायर है, ठीक है सर, रिफ्रेंट वायर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई बराबर आई नॉट टी है सर, कोई बात नहीं। कोई बोलता है एक यहाँ पे लूप है ऐसा, स्क्वायर लूप, कैसा लूप है, स्क्वायर लूप, बोलता है ये दूरी ए है और ये जो इसका एज है वो एल है। चलो कोई बात नहीं सर, बोलते मुझे पहले ये बताओ क्या इसमें EMF इंड्यूस करेगा, करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा ये पहले बता दो। तो सर इससे कारण फील्ड यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, अंदर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो इससे कारण फील्ड क्या करेगा, इसमें इंक्रीज करेगा। और फील्ड मतलब फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा, मतलब जो है क्रॉस इंक्रीज कर रहा है, करंट ऐसा इंड्यूस होगा ताकि इसे चाहेगा डिक्रीज करना, तो कैसा करंट होगा, तो सर ऐसा इंड्यूस होगा, मतलब ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। मुझे निकालना करंट इन द लूप, चार्ज फ्लो कुछ भी निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, डिपेंडेंट क्वेश्चन, ठीक है। चल देख प्यारे बच्चों ये बताओ क्या इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन गिवन है, नहीं सर नहीं है।
अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो हम सबसे पहले क्या बातें मानेंगे, थोड़ी बातें सीखना इधर। देखो मुझे पता है अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो किसी भी एक्स की दूरी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है। बोलो सही बात है कि नहीं? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है मतलब फ्लक्स जो है डीएक्स डीएक्स एलिमेंट वो वेरिएबल है। सही बात है सर। मतलब मैं क्या किया कि एक्स की दूरी पे मैं ये एलिमेंट लिया और इसमें फ्लक्स लिख दिया मैं, और स्मॉल फ्लक्स मुझे पता है फ्लक्स क्या है, वेरिएबल है यहां, क्योंकि फील्ड क्या है यहां से यहां तक वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड इसी कारण क्या है तो वेरिएबल है, मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो फ्लक्स में छोटे सा लूप मान लिया हूं डीएक्स लेंथ का, तो सोचो इसे कुछ एरिया होगा एल इंटू डीएक्स, कुछ एरिया होगा, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू डीए, मैग्नेटिक फील्ड एस की दूरी पे क्या आएगा तो सर म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, एस की दूरी पे है ना टू पाई एक्स, डी ए डी ए क्या आएगा एल इंटू डी एक्स, अरे इसमें फ्लक्स कितना आएगा तो डी ए में मानूंगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। इंटीग्रेशन, अब सुनना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं इस लूप में, उसके बाद करूंगा टाइम के बाद में, तो टोटल फ्लक्स क्योंकि फ्लक्स ही वेरिएबल है तो पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो फ्लक्स जो आएगा इंटीग्रल, बोलो क्या कॉन्स्टेंट निकाल लो तो म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स, बोलो कहां से कहां का वेरिएबल है तो ए से लेके ए प्लस एल तक, ए से लेके ए प्लस एल तक। बोलो प्यारे बच्चों समय में आया नहीं आया? यस समय में आ गया सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब थोड़ा बताओ क्या आएगा यहाँ से, तो सर म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई एल एन एक्स, बोलो ठीक है क्या, ए से ए प्लस एल तक, बोलो ठीक है कि नहीं है? यस सर। फ्लक्स कितना आया टोटल, तो सर फ्लक्स आ गया म्यू नॉट आई एल अपॉन टू पाई। बोलो फ्लक्स अगर निकालना होता तो फ्लक्स भी निकालता मैं, आई अगर होता कि मैं तो ठीक है क्या, फ्लक्स भी निकाला जा सकता है एल एन एक्स, तो ए प्लस एल माइनस एल एन ए, बोलो ठीक है क्या, इसको डिवाइड कर दो फ्लक्स कितना आ गया मी नॉट आई एल अपॉन टू पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन एल, बोलो सही बात है क्या, एल एन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पे करंट वेरिएबल है तो करंट वेरिएबल अब रख दो मी नॉट एल अपॉन टू पाई एल एन, बोलो ए प्लस एल अपॉन एल, ठीक है क्या। अब सोचो आई यहाँ पे क्या है तो आई नॉट टी, आई यहाँ पे आई नॉट टी लिख दिया मैं, ये सारा कुछ क्या है तो कांस्टेंट है, सारा क्या है ये कांस्टेंट, आई नॉट भी कांस्टेंट है टी के टाइम में, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, करो डिफ्रेंशिएट कितना आएगा बताओ मुझे, तो सर अगर मैं वहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा ई एम एफ इंड्यूस तो कितना आ जाएगा देखना, देखो आई नॉट और टी का डिफ्रेंशिएशन वन, तो सिंपल सा इंटू कर दो कितना आंसर आ गया म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन टू पाई एल एन ए प्लस एल अपॉन एल, ब्रो ठीक है कि नहीं है, ये ई एम एफ इंड्यूस आ गया प्यारे बच्चों। करंट निकालना है इसका, मान लो रेसिस्टेंस आर ओम गिवेन हो तो क्या करोगे तो ई बराबर ई अपॉन आर, ब्रो ठीक है क्या, ई अपॉन आर कर दो, ये कॉन्स्टेंट ई एम एफ है, अगर यहाँ टी स्क्वायर होता तो यहाँ पर टी स्क्वायर होता है कि नहीं, ये टू टी आता तो वेरिएबल आता, ब्रो ठीक है क्या, यस सर। तो प्यारे बच्चों का फ्लक्स वेरिएबल हो तो पहले क्या निकालेंगे हम, फ्लक्स निकालेंगे उस लूप में, जो ये निकाला ये क्या आया तो फ्लक्स इन द लूप, करंट कुछ भी हो वेरिएबल कॉन्स्टेंट कुछ भी हो ये फ्लक्स इन द लूप आया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, क्या ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आपने समझाया सर, तो कैसे दिक्कत हो जाएगा, मेरे को तो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सर, ई एम आई तो बड़ा बड़ा विचित्र और बड़ा अच्छा है सर। अरे तुम्हें समय में आया नहीं है प्यारे बच्चों? यस सर। एकदम एनर्जेटिक रहो, एकदम एनर्जेटिक रहो, लूज लाज होना जरूरी नहीं है, पेन को टाइट से पकड़ो, पेन को टाइट से पकड़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी लिखने में भी, पेन को टाइट से ऐसे बच्चा ये कहता ऐसा लूज ई एम आई ऐसे, अरे ऐसा क्यों लिखते हैं, अच्छे से देखो और लिखो, टाइटली लिखो टाइटली पकड़ो ऐसे, अरे सर ई एम आई यस ई एम आई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कभी नहीं, ठीक है क्या, अरे एनर्जेटिक रहो, अरे एनर्जेटिक मतलब क्या हुआ, सब कुछ सिस्टम में रहना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल में रहना चाहिए, एनर्जेटिक मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं किसी को जाके प्रपोज कर दूं यार, ये एनर्जेटिक का काम नहीं हुआ, एनर्जेटिक इन स्टडी नॉट इन एक्सटर्नल अफेयर, राइट। तो सिंपल सा बात है यार, एनर्जेटिक रहो थोड़ा सा, ठीक है क्या। चलो सर जवानी, सर क्या करो जवानी है तो वे मजे करो,
चलो चलो देख इधर, बताओ इधर देखो। तो प्यारे बच्चों चलो, मुझे भी मजा आना चाहिए, मैं मजा के लिए बोलता हूँ, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो, तो मैंने ऐसा ऐसा तुम्हें एग्जांपल बताया जो तुम्हें समझने में आसान लगा। थोड़ा एक दो और एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ जो तुम्हें कुछ कुछ बातें हैं। चलो ये लूप है, क्या है ये लूप है, ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये ओमेगा से घूम रहा है सर, मुझे करेंट निकाल दो इस लूप में इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये रेडियस आर है, ठीक है सर, करंट निकालो, ये सिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों, घूम रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। ठीक है सर, सोचो प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, रेडियस एरिया भी कांस्टेंट है, तो एक समय ऐसा था अब ये घूम रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो फ्लक्स कितना आएगा इसमें, तो किसी भी टाइम पे फ्लक्स जो आएगा बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, क्योंकि थीटा क्या एक समय थीटा क्या है जीरो, अब देखो ये वेरिएबल है, बोलो हाँ या ना। यस सर, तो फ्लक्स क्या आ गया प्यारे बच्चों, थीटा को क्या लिखूंगा बी ए कॉस ओमेगा टी, क्या लिखूंगा बी ए कॉस ओमेगा टी, फ्लक्स आ गया किसमें लूप में बी ए कॉस ओमेगा टी। अरे यार इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा बी ए साइन ओमेगा टी माइनस साइन माइनस आएगा और इनटू ओमेगा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या लूंगा मैं, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना। यस, ये तो एक लूप था, अगर मान लो नंबर ऑफ लूप एन हो गया, एन क्या नंबर ऑफ, मान लो इसमें बहुत सारा लूप हो, ऐसे लगा हुआ लूप हो ऐसे, तो ई एम एफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, तो सर उस केस में हो जाएगा एन एन टाइम्स, मुझे क्या हो जाएगा एन टाइम्स साइन ओमेगा टी। अरे यही तो है, यही तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यही क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो एसी क्वांटिटी जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है एसी करंट उसमें पढ़ना पड़ेगा, इसे क्या बोलता हूँ सर ईएमएफ इंड्यूस, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस इनटू साइन ओमेगा टी। मैंने क्या बोला समझ में आया, यस सर, ई नोट क्या है तो मैक्सिमम मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड वोल्टेज ईएमएफ, जो कितना फॉर्मूला होता है क्या एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, क्या ये तुम्हें याद है क्या। यस सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इससे नीट में आया सवाल, नीट में आईआईटी में नीट में इससे डायरेक्ट सवाल पूछा है कि एन इतना है बी इतना है एरिया इतना है ओमेगा इतना है, बताओ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बी ओमेगा, बोलो क्या तुम्हें याद रहेगा क्या। यस सर याद रहेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यही तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, यही क्या इसका ग्राफ कोई बनाने में तो क्या बोलोगे मैं, क्या बोलूंगा मैं सर, ग्राफ ऐसा होगा सर, देखो सर साइन का ग्राफ है तो ऐसे बना दो सर, नॉट मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, बोलो हाँ या ना। यस सर, साइन का ग्राफ है कि नहीं साइन का, यस सर साइन का ग्राफ है, यही तो अल्टरनेटिंग है। अरे जो तुम्हारा जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है ना पैदा, वहां पे ऐसे ही क्वायर रहता है, वहां पे कुछ ऐसा रहता है, देखो जहां पे जनरेटर होता है ठीक है वहां पे क्वाइल कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, क्वाइल कुछ ऐसा होता है, ये क्वाइल घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है ऐसा, ये घूमता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस ऐसे ही होता है, कहां गया ये वाला। अरे क्वाइल चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, बात क्या है सेम। यस सर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो आता है घरों में वो ऐसे ही आता है प्यारे बच्चों, हायर लो, अरे बोलो समय में आया नहीं आया। यस सर समय में आ गया सर, चलो सर बहुत अच्छा सर मजा आ गया, समय में आया नहीं आया। यस सर समय में आ गया, गुड। चलो लास्ट एग्जांपल कर रहा हूँ मैं आज का, आज से क्या कर रहा हूँ लास्ट एग्जांपल जो तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो लास्ट एग्जांपल आज का प्यारे बच्चों, तो सुनना, बोलता है कि ऐसा कोई फील्ड करी, तुम बोलो सर आप केवल यही फील्ड का बनाते हो डॉट नहीं बनाते हो, अरे कोई बात है तुम बना लो डॉट, क्या दिक्कत वाली बात है, करंट इंड्यूस की तो बात है उल्टा डायरेक्ट। यस सर, चलो एक ऐसा लूप है, देखो एक ऐसा लूप है, ऐसा कोई लूप है ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा लूप है तो इसमें ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, इसे अच्छे समझना, ये ओमेगा से घूम रहा है, किसे घूम रहा है ओमेगा से, रेडियस आर है ठीक है, ये लूप है, कैसा लूप है कुछ ऐसा देख, ऐसे घूम रहा है। अच्छा अभी इसमें कोई फील्ड है क्या, फ्लक्स है क्या इसके अंदर, नहीं सर, लेकिन जैसे ही घूम रहा है तो इसके अंदर कुछ फ्लक्स आएगा, आएगा नहीं आएगा। यस सर, तो जब घूमेगा तो कैसा रहेगा, देख मान लो ऐसा आ गया, बोलो हाँ या ना, जब ये घूम रहा
है कि नहीं सही बात? यस सर। तो फील्ड इसमें इतना, फ्लक्स इसमें ये आ रहा है कि नहीं सही बात यार? यस सर, इसमें फ्लक्स इतना आ रहा है, मतलब फ्लक्स यहाँ पे क्या है? तो वेरिएबल है सर। फ्लक्स यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? वेरिएबल है। बोलो हाँ या ना। यस सर, फ्लक्स वेरिएबल है। क्या तुम इसका फ्लक्स, देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स उसी में लिखो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, प्रेजेंट हो, से प्रेजेंट हो। तो मुझे पता है कि ये वाला जो एरिया है इसी में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सही बात है कि नहीं? यस सर। मतलब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? मान लो थीटा, क्या मान लो इसको एंगल, ये क्या मान लो, एंगल थीटा। चलो एंगल थीटा मान लिया, रेडियस आर। अरे इसी का तो एरिया है। यस सर, इसका एरिया क्या लिखोगे? तो एरिया बराबर हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। थीटा क्या हो जाएगा? तो सर थीटा तो ओमेगा टी हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। बोलो यहां तो समय में आया। इसमें फ्लक्स कितना हुआ? तो फ्लक्स हो गया सर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया अंदर, फ्लक्स भी अंदर। तो बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड बी ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बी जो कॉन्स्टेंट है। बोलो ठीक है क्या? यस सर, बी हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा ओमेगा टी। बोलो समय में आया नहीं आया? ये सर समय में आ गया सर। तो डिफ्रेंशिएट कर दो डी फाई बाई डी टी, क्या मिलता है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू, टी का डिफ्रेंशिएशन वन। तो ई एम एफ इंड्यूस क्या आया? तो सर ई एम एफ इंड्यूस आया बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू, जो कॉन्स्टेंट आया, क्या आया, कॉन्स्टेंट। तो करेंट भी इंड्यूस जो होगा वो क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉन्स्टेंट। अच्छा एक मिनट सुनना, फ्लक्स इंक्रीज जब अंदर जा रहा है तो फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो करंट इंड्यूस कैसा होगा, ताकि इंक्रीज को डिक्रीज करना चाहेगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा होगा ताकि ये फील्ड इधर हो, इसे डिक्रीज कर जाए। मतलब ये कौन सा सेंस में होगा, तो करंट जो होगा वो कौन सा सेंस होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा। कब? जब ये अंदर जा रहा है तो ये अंदर में होगा, ठीक है। जब ये अंदर जा रहा है लूप, तो करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जब बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स, जब बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय करंट उल्टा होगा, उसमें क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज। कब? जब देखो अंदर जब आ गया होगा तब की बात अलग है, जब अंदर से बाहर निकल रहा होगा तब, ठीक है। क्या इसमें ग्राफ बना सकता हूं क्या? देख तो ईएमएफ इंड्यूस वर्सेस टाइम, कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है सर। कितना कॉन्स्टेंट है? तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय टू कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, है कि नहीं है? यस सर। कितने समय तक? तो मुझे पता है सेमी सर्कुलर है, अगर पाई एंगल आ जाएगा तो पाई मतलब ये सोशो थीटा भी है, पाई एंगल आ जाएगा तो पूरा पूरा अंदर आ जाएगा। तो पाई बाय ओमेगा तक पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, 2 पाई बाय ओमेगा तक। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा जब अंदर जा रहा है तो, और ये क्या आएगा, क्लॉकवाइज। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्या ये ग्राफ समय में आया क्या? यस सर समय में आ गया ग्राफ। ग्राफ समय में आया नहीं आया? यस सर। ग्राफ कैसा बना? तो ग्राफ सर ऐसा बन गया सर, कॉन्स्टेंट बिल्कुल ऐसा, फिर ऐसे ड्रॉ करके ऐसा, ये कॉन्स्टेंट है, क्या है ये कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है, ठीक है। क्या ये वैल्यू कितना है? तो बी आर एस का ओमेगा बैटरी है, ये आएगा माइनस बी आर एस का ओमेगा बैटरी। बोलो समय में आया नहीं आया? करंट क्या बनेगा? तो करंट भी यही ग्राफ बनेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पता हो तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, मतलब करंट भी कॉन्स्टेंट बनेगा। तो क्या प्यारे बच्चों आज का लेक्चर समय में आया क्या तुम्हें? क्या अच्छे से क्रिस्टल समय में आया? यस सर समय में आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद, ठीक है क्या। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करो यार, प्लीज जरूर करो, ठीक है क्या। चलो धन्यवाद।